एमएसई पार्टिसिपेंट ट्रेडर्स फार्मर्स सबको एक सिमिलर प्राइस पर, प्राइस में किसी तरह का कोई भी इसमें जो है कि किसी भी तरह का कुछ बाइसनेस नहीं होगा। हर तरीके से किसान जो है अपने हिसाब से अपनी फसल का मूल्य तय कर सकता है और कम से कम कॉस्ट पर बायर्स को जो है वहां पर फसल वो अपनी कोई भी कमोडिटी है वो खरीद सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे अराउंड द कंट्री, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मंडीज में देखें तो वहां पर क्या होता है कि एक फार्मर है वो कुछ एक लोगों को ही जानता होता है, उसी साहूकार के पास जाता है और अपना माल बेच देता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज में बात करें तो इसके अंदर ऑल ओवर द कंट्री जो है बायर और सेलर्स रहेंगे, जिससे कि उसका एरिया जो है वो काफी वाइड हो जाएगा अपनी फसल को बेचने का। वहीं अगर हम बात करें इसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट में कारोबार नहीं होगा। मिनिमाइजिंग द चेन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, कि फार्मर्स के इसमें जो इंटरमीडिएटर है वो कम हो जाएंगे, जब एंड यूजर तक माल पहुंचता है उसके बीच में काफी इंटरमीडिएटर्स आ जाते हैं ट्रेडिशनल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सीधा एक्सचेंजेस पर उसका माल बिक जाएगा। एलिमिनेटिंग द डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर ऑन मिडलमैन, इवॉल्विंग अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशियंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसका रहेगा कि सेविंग द टाइम, टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इज मनी, और इसके अंदर फार्मर्स को क्या होगा, उसका टाइम काफी सेव होगा, उसको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, देश के किसी भी कोने में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सचेंज पर जाना है, उस एक्सचेंज में अपना अपने हिसाब से अपना सौदा डालना है और जिस बायर को जिस रेट पर खरीदना होगा उसका सौदा उस रेट पर बिक जाएगा। इसमें बेनिफिट्स क्या रहेंगे फार्मर्स को, असेस टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थ्रू आउट द कंट्री, एक्यूरेट ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस, ट्रेड जो होगा वो इंक्रीज होगा, द स्पॉट एक्सचेंज विल इंश्योर एश्योरेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर द बायर्स, इट विल हेल्प जनरेट इंटरेस्ट ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक कॉर्पोरेट एक्सपोर्टर्स हु वुड बी इंटरेस्टेड मोर इन अ क्वालिटी एस्पेक्ट्स, डिलीवरी एश्योरेंस टू बायर्स कैन अट्रैक्ट बिगर प्लेयर्स इन टू द मार्केट एज देर विल बी नो काउंटर पार्टी रिस्क इन द ट्रेडिंग सिस्टम, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर द लार्ज प्लेयर, बेटर स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट फार्मर्स को क्या रहेगा, स्टोरेज की फैसिलिटी मिलेगी, वो अपना माल जो है वेयर हाउस में लगा सकता है और अपने हिसाब से अपना माल कम कम क्वांटिटी में भी बेच सकता है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, इसमें ब्रोकर को आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल होती है और फार्मर्स को भी अवेलेबल रहेगी कि वो स्पॉट में अपना माल बेच सकता है, फ्यूचर में खरीद सकता है, या स्पॉट में खरीद सकता है और फ्यूचर में बेच सकता है। इंप्रूव टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जा रहा है। अब हम अपने एजेंडे पर लौटते हैं कि सबसे बड़ी बात इन एक्सचेंजेस और ट्रेडर और किसानों और खरीदारों के बीच सौदा कौन करवाएगा, वो सौदा करवाने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जहां पर अलग अलग जगह पर जो बायर्स हैं सेलर्स हैं इनको कौन आपस में लिंक करेगा, और इसके बीच में जो लिंक बिठाएगा वो होगा ब्रोकर। ब्रोकर ब्रोकर किस लिए काम करेगा, ब्रोकर का मेन मोटिव क्या रहेगा, ब्रोकर जो है वो अपनी ब्रोकरेज के लिए काम करवाएगा, ब्रोकर जो है इस मार्केट का एक इज अ की पर्सन ऑफ दिस मार्केट, हम कह सकते हैं कि ब्रोकर जो है इस मार्केट का दिल है, क्योंकि ब्रोकर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनके आपसी सहमति के आधार पर उनका जो है सौदा करवाता है, उनकी डील करवाता है। और यहाँ पर ब्रोकर भी दो तरह के होते हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर। ट्रेडिशनल ब्रोकर जैसा कि हम कह सकते हैं कि साहूकार, पहले साहूकार होते थे वो उस हिसाब से अपना सौदा करवाते थे, लेकिन आजकल है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर जिसमें हम ये स्पॉट एक्सचेंजेस लेते हैं, नेशनल एनसीडीएक्स स्पॉट एक्सचेंजेस, ये वाली एक्सचेंजेस जो है इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक्सचेंजेस के अंदर जो है क्या फार्मर्स जो है बड़ी इजीली अपना सौदा कर सकता है, इसके बीच में उसको कहीं भी किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी फसल का सही दाम जो है वो किसी भी एक्सचेंज में जाकर, इन दोनों एक्सचेंजेस में किसी भी एक्सचेंज पर अपना माल जो है वो बेच सकता है। ब्रोकर का प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, जिसमें सेलर और बायर्स दोनों ही किसके पास आना चाहेंगे, सबसे पहले दोनों आएंगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर वो जो सौदा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज में सौदा होगा, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए दोनों बिड या आस्क डाल देंगे, बेचने वाला अपने हिसाब से अपना मूल्य डालेगा और खरीदने वाले को जिस रेट पर खरीदना है वो मूल्य डाल देगा। अगर दोनों की बिड मैच हो जाती है तो उनका सौदा जो है वो क्लियर हो जाएगा, इस तरह से सेटलमेंट हो जाएगी और डिलीवरी जो है मिल जाएगी। बेनिफिट्स टू ब्रोकर, इसमें ब्रोकर को क्या बेनिफिट्स रहेंगे, एक तो उसको ब्रोकरेज चार्ज होगी, दूसरा वो हेजिंग कर सकता है, स्पॉट को स्पॉट में खरीद सकता है, फ्यूचर में बेच सकता है, डिलीवरी बेस्ड काम होगा और फुल पेमेंट होगी, देयर इज नो एनी रिस्क टू द ब्रोकर्स। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम,
At last, I would like to thanks to AgriWatch who gave me a great opportunity to explore my views in front all of you. Thank you.